तो दोस्तों आज ऐसे बेहतरीन पेनी स्टॉक लेकर आया हूँ जो कि फाइनेंस सेक्टर का पेनी स्टॉक है, ऑलमोस्ट डेबिट फ्री पेनी स्टॉक है। और ये जो पेनी स्टॉक है आज के दिनों में इस पेनी स्टॉक में 11 लाख से ऊपर क्वांटिटी इन्वेस्टर ने बाय किया है। पेनी स्टॉक काफ़ी वेटेज होने वाला है, तो चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूले ताकि डेली बेसिस पर आप कोई पेनी स्टॉक को मिस ना कर पाए। पेनी स्टॉक की बात करें तो अभी के समय में पेनी स्टॉक 4 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। पेनी स्टॉक की पिछले 5 डे के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बात करें तो 0.21% का ब्रेकआउट लगाया जो कि सॉलिड फेज वोलेटिलिटी में ही देखने को मिला। और पेनी स्टॉक यदि पिछले 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में पेनी स्टॉक 173% का ब्रेकआउट दिया। और 6 मंथ में पेनी स्टॉक का जो हाई सपोर्ट लेवल की बात करें तो 11.18 रुपीज़ पेनी स्टॉक का हाई सपोर्ट लेवल रहा। और 6 मंथ पर ये जो पेनी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा था मात्र 1.77 पैसा पर ट्रेड कर रहा था, यानी कि 6 मंथ में पेनी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी में ही देखने को मिला। और पेनी स्टॉक की मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट में पेनी स्टॉक 57% का लॉस किया। बट पेनी स्टॉक की फंडामेंटल के अकॉर्डिंग यदि 6 मंथ की बात करें, ईयर्स की या 5 डे या 1 मंथ की, सभी में पेनी स्टॉक लगातार प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर रहा है। यानी कि जो पेनी स्टॉक है मैक्सिमम चार्ट में लॉस कर रहा है बट अभी के समय पेनी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर रहा है। और ये जो पेनी स्टॉक मार्केट लिस्टिंग की बात करें तो 11.39 रुपीज़ पर लिस्टिंग हुआ था 2012 में। और पेनी स्टॉक का फर्स्ट टाइम जो हाई सपोर्ट लेवल की बात करें तो फर्स्ट टाइम जिस पेनी स्टॉक का हाई सपोर्ट लेवल काफ़ी ऊपर बना था, यानी कि फर्स्ट टाइम देख सकते हैं 105 रुपीज़ के लेवल का आसपास इस पेनी स्टॉक का फर्स्ट टाइम हाई सपोर्ट लेवल बना था। फिर ये पेनी स्टॉक नीचे के रेंज में वोलेटिलिटी में ही देखने को मिला। और ये जो पेनी स्टॉक यदि आज के दिनों में मार्केट ओपन इंडिया की बात करें तो 4.92 पैसा पर मार्केट ओपन हुआ था। हाई की बात करें 4.92, लो की बात करें 4.82 है। मार्केट कैप की बात करें 247.40 करोड़ है। पीई रेशियो की बात करें 18.16 है। पर पेनी स्टॉक की जो 52 वीक की हाई CDP स्कोर की बात करें तो 11.48 पेनी स्टॉक की हाई CDP और लो CDP की बात करें 0.93 पेनी स्टॉक की लो CDP है। यानी कि जो पेनी स्टॉक यदि फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटली स्ट्रांग है बट अभी के समय मैक्सिमम चार्ट में पेनी स्टॉक लॉस किया बट करंट समय में पेनी स्टॉक पॉजिटिव रिकवर कर रहा है। अब जो पेनी स्टॉक की फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें यानी कि पेनी स्टॉक का साल में कितना रिवेन्यू टर्नओवर जनरेट होता है, पेनी स्टॉक के रिवेन्यू की बात करें 1.51 करोड़ पेनी स्टॉक का रिवेन्यू है। नेट इनकम की बात करें 1.22 करोड़ पेनी स्टॉक का नेट इनकम है। डायलूटेड EPS की बात करें 0.02 है। नेट प्रॉफिट एंड मार्जिन की बात करें 81.04% जो कि कंपनी के लिए सॉलिड फेज में प्लस पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। यानी कि साल में कंपनी का जितना रिवेन्यू से नेट इनकम जनरेट होता है और उसके ऊपर जितना वर्कर के ऊपर एक्सपेंशन लगता है सभी काट के जो प्रॉफिट बचता है प्लस पॉजिटिव पॉइंट में नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑपरेटिंग इनकम की बात करें 1.22 करोड़ है। यानी कि पेनी स्टॉक में जितने भी फाइनेंशियल टर्न की बात किए चाहे रिवेन्यू हो चाहे नेट इनकम हो डायलूटेड EPS नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग इनकम हो सभी में पेनी स्टॉक प्लस पॉजिटिव पॉइंट में ही देखने को मिला जो कि अपने शेयर होल्डर को करेंट समय फाइनेंशियल अर्निंग भी काफ़ी स्ट्रांग है। अब जो पेनी स्टॉक की बात करेंगे लाइव टू लाइव अप टू डेट आज के दिनों में टोटल क्वांटिटी ट्रेडर की बात करें तो टोटल क्वांटिटी आज के दिनों में 11 लाख से ऊपर 11,64,936 क्वांटिटी आज के दिनों में ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 9,88,777 है। और परसेंटेज डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 84.88 है, यानी कि 50% से भी काफ़ी ज़्यादा क्रॉस होके ये पेनी स्टॉक 84% के लेवल का आसपास आज के दिनों में परसेंटेज डिलीवर में हुआ। यानी कि इस पेनी स्टॉक में आज के दिनों में बात की तो काफ़ी मात्रा में क्वांटिटी बाय किया गया इन्वेस्टर के द्वारा जो कि देखिए जो कि 11 लाख से भी ऊपर इस पेनी स्टॉक के आज के दिनों में क्वांटिटी बाय किया गया है। अब जो पेनी स्टॉक की बात करेंगे छोटा छोटा टर्म्स यानी कि पेनी स्टॉक की फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू देख सकते हैं हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर पर सपोर्ट लेवल ऊपर ही ऊपर देखने को मिलता है। और लास्ट में पेनी स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल दिया 10 रुपीज़ के लेवल के आसपास दिया है, यानी कि पेनी स्टॉक का जो वोलेटिलिटी काफ़ी ऊपर की ओर दिख रहा है। अब जो पेनी स्टॉक की बात करें छोटा छोटा टर्म्स यानी कि पेनी स्टॉक की आज के दिनों में या नेट प्रॉफिट और रिवेन्यू मार्जिन की बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर और फाइनेंशियल 2021 में
रिवेन्यू भी कंपनी का काफ़ी अच्छा और काफ़ी वेटेज, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है और ईपीएस भी काफ़ी, यानी कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर पर जो रिजल्ट आता है उसमें भी, यानी कि दिसंबर 2021, सितंबर 2021 में, फाइनेंशियल 2021 में, यानी कि सभी में क्वार्टर एंड क्वार्टर प्लस पॉजिटिव पॉइंट में ही दे रहा है रिटर्न। अब जो स्पेनी स्टॉक का जो नाम है, मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, यह PMC फिनोक्रॉप लिमिटेड, जो कि एक फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर का काफ़ी वेटेज और दिग्गज कंपनी है, जो कि अपने शेयर होल्डर को लगातार ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट देते ही रहता है। PMC फिनोक्रॉप लिमिटेड काफ़ी वेटेज और दिग्गज कंपनी है, मात्र ₹4 पर ट्रेड कर रहा है। यदि स्पेनी स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 100% श्योर है कि आपको अच्छा सा अच्छा रिटर्न मिल सकता है।